हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि लाइफ इज द रेस, भागोगे नहीं तो लोग तुम्हें कुचल के आगे बढ़ जाएंगे। यानी थ्री इडियट का वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा। आजकल सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे झूठ को सच और सच को झूठ बनाना बहुत ही इजिली होता है। मतलब जिसके दिल में जो भी ख्याली पलाव पकता है वो आके यहाँ पे गंदगी स्टार्ट कर देता है, मतलब बकना स्टार्ट कर देता है। कुछ भी जिसका दूर दूर तक सच से कोई वास्ता नहीं होता, कोई कुछ भी आगे बकता है, या तो वो खुद बेवकूफ है या तो वो सामने वाले को बेवकूफ यानी अपने सब्सक्राइबर को बेवकूफ समझता है कि भाई साहब ये सब खुद बेवकूफ है क्योंकि ये सब चीज बात में बिलीव करते हैं। जो रियल है, जो पढ़े लिखे हैं, जो नॉलेजेबल इंसान है, उनको ये पता है कि ये अभी बकवास कर रहा है। इससे ज्यादा इसकी बकवास अब हम सुन नहीं पाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या है कि शाहरुख खान की बहुत सी फिल्म आ रही है, आज मैं आपको उसके बारे में गिनवाऊंगा। लेकिन उससे एक आपसे एक रिक्वेस्ट, एंड तक वीडियो को जरूर देखना, मजा बहुत आएगी और आपको समझ में भी आएगा सोशल मीडिया आपके साथ दिमाग से कैसे खेलता है। यार समझ रहे हो, शाहरुख खान की एक फिल्म आ रही है जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं राकेश रोशन। और राकेश रोशन आपको पता है कौन है? करण अर्जुन बनाई थी शाहरुख खान को लेके। कोयला आज के जमाने में हिट है, उस टाइम फ्लॉप हो गई थी, आज के जमाने में हिट है। कोयला भी बनाई थी, किंग अंकल बनाई थी, उस टाइम पब्लिक बेवकूफ थी, इस टाइम अकलमंद है। किंग अंकल भी हिट फिल्म, अच्छी फिल्म बनाई थी, किंग अंकल बनाई थी, जिसमें जैकी श्रॉफ पूरी फिल्म में बड़ी सी मूछ लगाकर घूमते रहते हैं और सपोर्टिंग रोल के लिए उसके अंदर एसआरके रहते हैं। बहरहाल वो फिल्म उस टाइम पब्लिक पागल थी, बेवकूफ थी, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ही हिट फिल्म है। कहो ना प्यार, राकेश रोशन शाहरुख खान को लेना चाहते थे, शाहरुख खान ने स्क्रिप्ट मना कर दी, ऋतिक रोशन को लेना पड़ा उनको मजबूरी में। क्रिश 3 वही लेने वाले थे शाहरुख खान को ही, लेकिन शाहरुख खान ने वहां भी मना कर दिया। अब सुनने मारा है राकेश रोशन, जो एक फिल्म है वो नई स्क्रिप्ट, एकदम फ्रेश स्क्रिप्ट, फ्रेश स्क्रिप्ट जो है, फ्रेश, आप समझ रहे हो, फ्रेश स्क्रिप्ट जो है शाहरुख खान को दी है। शाहरुख खान उसको पढ़ रहा है और पढ़ के बताएंगे शाहरुख खान की ये भी करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात आपको बता दें, आपको अजीज मिर्जा याद है? अजीज मिर्जा ये वही है जो उन्होंने बनाई थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जिन्होंने बनाई थी चलते चलते। भाई साहब क्या कबाल की फिल्म थी, रोमांटिक फिल्म थी। सुनने में आ रहा है कि अजीज मिर्जा भी जो एक स्क्रिप्ट लिखे हैं और शाहरुख खान को सुना रहे हैं, और भी फ्रेश स्क्रिप्ट है, और बहुत जल्द उसके ऊपर भी कोई ना कोई बात होने वाली है। आपको अब्बास मस्तान तो याद होगा, अब्बास मस्तान बाजीगर, आई लव शाहरुख, क्या परफॉर्मेंस दी थी भाई साहब, मुझे बहुत कमाल की फिल्म लगी थी बाजीगर। अब्बास मस्तान के साथ जो उन्होंने फिल्म में काम किया था, और अब्बास मस्तान ने बादशाह फिल्म बनाई थी, आपको याद है कितनी कमाल की फिल्म थी, क्या कॉमेडी थी यार उसके अंदर। अब्बास मस्तान भी एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसके अंदर भी शाहरुख खान है, और बहुत जल्दी उसका भी, देखो शाहरुख खान उसको भी पढ़ रहा है, बहुत जल्दी उसका भी फाइनल हो सकता है, कभी भी ये हो सकता है उसका। अब्बास मस्तान का ये स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान में सूट करती है, और शाहरुख खान ही इसको कर सकते हैं, तो शाहरुख खान उनकी भी स्क्रिप्ट पढ़। अरे यार, करण जौहर कैसे भूल गए? कुछ कुछ होता है सेकंड आने वाली, भाई साहब आपको शॉक हो गया होगा, कुछ कुछ होता है सेकंड बनाने वाले हैं, क्योंकि 25 साल उसका भी बहुत जल्दी कंप्लीट हुआ है। और करण जौहर ने कहा है कि इस 25 साल के उसमें जो है इस पे हम काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी जो है शाहरुख खान को फिर से इस फिल्म के अंदर लेंगे, यानी राहुल के फिर से वापसी होने वाली है। भाई साहब करण जौहर ने कहा है कुछ कुछ होता है इसकी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, और बहुत जल्दी एक दो महीने के अंदर वो स्क्रिप्ट भी दे देंगे, शाहरुख खान उसको भी पढ़ेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। फराह खान का तो आपको पता है यार, हैप्पी न्यू ईयर 2 कमाल का यार, क्या सुपर हिट फिल्म दी थी हैप्पी न्यू ईयर, उसका भी नाम है शाहरुख खान, उसकी भी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, आपको पता ही नहीं होगा। अरे यार आप भूल ही गए यार, आपको पता है जवान का जब प्रीमियर था उसमें राजा मौली भी गए थे, राजा मौली कोपचे में लेके एसआरके को गए, एसआरके को लेके एक स्क्रिप्ट वहां पर सुना डाली खड़े खड़े कि बाहुबली 3 आ रही है और उसके अंदर एसआरके है। सोचो कितनी मजा आएगी यार शाहरुख खान राजा मौली के साथ। और सुनो यार, ये जो अक्षय कुमार है बेवकूफ इंसान, स्टेज 1 दिखाया, 1 अभी 10 दिखाना बाकी है, 10 स्टेज 10 दिखाएंगे। लोकेश कांगराज वेट्री मरण भूल गए, बैटरी मरान 10वां स्टेज दिखेगा, 10वां स्टेज, ये तो एक ही स्टेज दिखाया एटली कुमार, तुम लोग बेवकूफ समझा तुम लोगों को, एक ही स्टेज दिखाकर छोड़ दिया, अब भी तो दिखाएगा पूरा 10वां स्टेज। बैटरी मरान एट्री मरम के सुनने के बाद ना फिर से अटली कुमार का खून खौल उठा है, उन्होंने कहा मैं 11वां स्टेज दिखाऊंगा, जवान 2 लेके आ रहा हूं, विजय थलापति एंड शाहरुख खान साथ साथ। अब सोचो 11वां स्टेज अटली कुमार, बात समझ में आया कि नहीं? कोई बाकी है हाँ, इधर वाले में रखे हुए हैं शाहरुख खान आशिक अब्बू को, इधर रखे आरके डीके को, जब इन लोगों में किसी की स्क्रिप्ट नहीं समझ में आएगी तो इधर से झाड़ेंगे, दोनों लोग गिरेंगे, इनमें से कोई ना कोई फिल्म तो इस आरके की जरूर होगी। हाँ, आदित्य चोपड़ा भी बैठे हुए हैं वेटिंग में, कहे भाई साहब एसआरके देखो यार, टाइगर वगैरह ऐसी बना के मैं बहुत थक गया हूं, अब मुझे रोमांटिक फिल्म बनानी है, और रोमांटिक या तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 2 कर लो, या तो मोहब्बतें 2 कर लो, या फिर रब ने बता दी जोड़ी 2 कर लो, तो उसकी भी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा है, बहुत जल्दी इसकी स्क्रिप्ट वो शाहरुख खान को सुनाने वाले हैं आदित्य चोपड़ा, फिर से वो डायरेक्शन करने वाले हैं, अभी तो प्रोड्यूसर बने थे फिर से वो डायरेक्टर बनने वाले हैं, और बहुत जल्द आएगा। आप सोचो आदित्य चोपड़ा शाहरुख खान आएंगे यार, क्या होगा? तुझे देखो तुम सनम, समझ रहे हो? तो ऐसी ऐसी न्यूज जो चल रही है यार, शाहरुख खान को इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया यार, क्या चाहते हैं ये नल्ले? और एक तो बंदर जैसा टोपी लगा के रिटायर्ड हेडमास्टर लगता है सर्कस का ये आदमी, अपने आप को देखता नहीं है थोपड़ा साला,
कहां से कहां तक झूठ बोलेगा यार, कब तक यार, कब तक, कुछ तो रहम करो यार। अच्छा सामने वाले भी पागल है, कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, उसके नीचे अकल से पैदल लोग कमेंट की रहते हैं, एसआरके असेंबल हियर, सुपर भाई खतरनाक, रॉक छा दिया, ये वो सब कुछ करते हैं, मतलब उनके पास भी अकल नहीं है। अब इतने पूरे डायरेक्टर का नाम जुड़वा, पूरे डायरेक्टर का नाम जुड़वा, ये तो जाहिर सी बात है सर शाहरुख, इसमें से कोई ना कोई डायरेक्टर साथ काम तो जरूर करेंगे, बैठेंगे तो नहीं घर पे, अब इसमें एक दो चीजें तो सही होंगी, उसके बाद कहेंगे देखा मैंने कहा था, मैंने कहा था आज से 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, साल भर पहले, यही होता। एक तो इधर ये बात है, उधर सलमान खान के फैंस की बात सुन लो, सलमान खान के पास फिल्में बहुत सी हैं जो कि सलमान खान ने खुद अपने मुंह से बता चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, उनके फैंस इस बात पे इंतजार कर रहे हैं कि भाईजान कब उसके बारे में अनाउंसमेंट कर दे, तो उनको उस चीज का दुख थोड़ा है कि बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो जाए तो उनको थोड़ा चैन मिल जाए। और इधर एसआरके के फैन है, वो सोच रहे कुछ कंफर्म न्यूज हो जाए कि हाँ ये फिल्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, किस डायरेक्टर के साथ अगली फिल्म है, ये तो कंफर्म हो जाए, वो भी नहीं हो पा रही है, तो हाउ सैड इज द, हाउ बैड इज द, अब होता क्या है ये देखना तो दिलचस्प होने वाला है भाई साहब। लेकिन सोशल मीडिया पे झूठ बहुत तेज तेज बोला जा रहा है और खुला बोला जा रहा है, और उसको मानने वाले गधे की कमी नहीं है, उसको मानने वाले भी नीचे बहुत से गधे मिलेंगे जो इसको बोलने वाले कि ये चीजें हो रही है भाई साहब, वेरी गुड नाइस सुपर भाई कमाल है भाई, ये है भाई वो, क्या मैं बोलूं यार। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना, ओके, सी यू अगेन, शाहरुख आई लव यू।